सहेली वन और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। फिलहाल जो ये दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, चाबियां हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने न्यूली लॉन्च MG हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म। ये आप देख सकते हो टॉप एंड ट्रिम है इसकी। अभी इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, इससे पहले आपने देखा होगा ग्लॉस्टर के अंदर भी ब्लैक स्टॉर्म आता था, बट अभी इसके अंदर भी आपको ब्लैक स्टॉर्म का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाता है। इस पर्टिकुलर वेरियंट के प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो ये पर्टिकुलर वेरियंट आपको कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट 21.24 लाख रुपीज़ एक शोरूम दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। अब ऑन रोड ये चीज़ अपना स्टेट टू स्टेट क्वेरी कर सकती है। बाकी इस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आपको ऑफर क्या क्या कर देती है, क्यों इसकी तरफ जाना चाहिए और किस तरीके से ये एक नॉर्मल हेक्टर से थोड़ी अलग लगती है, थोड़ी यूनिक लगती है, उन चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी की चाबियां कुछ इस तरीके की आती हैं, काफ़ी स्लीक सी कीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे डोर्स को अनलॉक करने के लिए बटन है, लॉक करने के लिए बटन है, और इस बटन के थ्रू इसका अपना जो टेल गेट है वो आप इलेक्ट्रिकली ओपन कर सकते हो और बंद भी कर सकते हो। तो ये सेम चाबियां हैं, दो सेम कंट्रोल्स के साथ हैं। अभी इनको रख लेते हैं पॉकेट में। प्रोडक्ट की हम बातचीत करें तो ये है आपकी स्क्रीन पे इसकी डायमेंशन वगैरह। अभी फ्रंट्स हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे आप देखोगे ये LED बेसिस की DRS वगैरह हैं और इन्हीं के अंदर आपको इंडिकेटर्स वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सामने जो ग्रिल वाला पार्ट आप देख रहे हो डार्क क्रोम में देखने के लिए मिलता है, जो कि अच्छे तरीके से मतलब सूट करता है पूरी प्रोफाइल को। MG का लोगो है, ये भी आपको डार्क क्रोम में ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट है, काफ़ी बोल्ड सी, काफ़ी बड़ी सी यहाँ पे आपको ग्रिल देखने के लिए मिलती है। ब्लैक स्टॉर्म जहाँ पे लिखा हुआ है इसकी नंबर प्लेट आएगी। और नीचे की साइड आए यहाँ पे हेडलैम्प यूनिट वगैरह की बातचीत करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डुअल प्रोजेक्टर्स हैं, जो कि लो बीम हाई बीम के लिए वर्क करेंगे और ये दोनों ही व्हाइट लाइट आपको ऑफर करेंगे। ये आप नीचे की साइड देख सकते हो फॉग लैंप्स टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी रिफ्लेक्टर बेस LEDs के साथ हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं और ये क्रोम का जितना भी यहाँ पे काम आप देख रहे हो सब डार्क क्रोम के अंदर है। इसकी बात करें या फिर इस वाले पार्ट की बात करें सब डार्क क्रोम के अंदर है। लोअर पार्ट की बातचीत करें तो अच्छा खासा सेक्शन यहाँ पे है, मतलब जितना भी मैट ब्लैक पार्ट आप देख रहे हो इसका लोअर फ्रेम, इसकी क्लैडिंग वगैरह अच्छे तरीके से सूट करती है गाड़ी के साथ। टायर्स वगैरह की बातचीत करते हैं यहाँ पे तो टायर जो है वो हैं गुड़ियर के। इनके टायर सेक्शन की हम बातचीत करें तो ये 215/55 R18 18 इंच के ग्लॉसी ब्लैक अलॉयज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। कैलिपर जो है वो रेड कलर के हैं। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बातचीत करें तो ऑलमोस्ट 192 mm की बहुत बढ़िया सी ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी आपको ऑफर करती है। और इसकी साइड प्रोफाइल आप देख लो, बढ़िया एकदम मैच्योर सी प्रोफाइल लगती है। पीछे भी डिस्क ब्रेक्स हैं और पीछे वाला कैलिपर जो है वो भी आपको रेड कलर में ही देखने के लिए मिलता है। जो डोर फ्रेम्स हैं इनके ऊपर जो क्रोम का पार्ट है ये भी डार्क क्रोम में है। और यहाँ पे आप देखोगे तो मॉरिस गैराजेस यहाँ पे भी मेंशन है। ये क्रोम पार्ट जो है ये भी अपने डार्क क्रोम में कर दिया। रिक्वेस्ट सेंसर है बेसिकली है। बॉडी कलर ORVM इंडिकेटर्स के साथ हैं और इनके अंदर वो वेलकम फीचर आता है, जब भी आप लॉक अनलॉक करोगे तो फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे भी दी हुई है। प्लेन विंडोज़ हैं, ये पिलर जो है मैट ब्लैक दिए हुए हैं। रूफ रिल्स यहाँ पे प्रॉपर दी हुई हैं और पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है यहाँ पे। ग्लास एरिया गाड़ी का काफ़ी बड़ा है, वीडियो में शायद आपको जस्टिस भी ना हो। और ये है इसकी रेयर प्रोफाइल। ऊपर से शार्प एंड एंटीना है, स्पॉइलर है, स्टॉप लैंप, डिफॉगर वाइपर, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। बढ़िया से कनेक्टेड टेल लैंप्स यहाँ पे मिलते हैं, ये आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे लगते हैं ब्लैक के साथ। पर्सनली ब्लैक स्टॉर्म जो नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर प्लेट ही आएगी एक्जैक्टली इसकी। कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई है। हेक्टर यहाँ पे मेंशन है, एडास वगैरह नहीं आता। ये 5 सीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन इसका आप देख रहे हो। अगर 7 सीटर होता तो यहाँ पे प्लस लिख के आता। पीछे एक्स्ट्रा ये लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं, वो किस लिए वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो जितना भी पार्ट है लाइट्स वगैरह का वो सब अपना टेल गेट के ऊपर ही है, तो जब भी ये ओपन हो जाता तो ये लाइट स्विच हो जाती है नीचे की साइड यहाँ पे। और जितना भी क्रोम का पार्ट है सब अगेन डार्क क्रोम के अंदर है। रिवर्स में पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये है इसकी रियर प्रोफाइल, बढ़िया एकदम। और पेट्रोल कहाँ से डलेगा वो भी आपको बता देता हूँ, वो यहीं राइट साइड से डलेगा। और बूट आपको खोल के दिखाऊँ, चाबी से भी आप खोल सकते हो, अंदर से भी खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको बटन भी मिल जाती है एक, ये देखो लाइट यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। इलेक्ट्रिक टेल गेट आता है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे बूट स्पेस आप देखो, ये अपना कुछ इस तरीके से कवर मिल जाता है यहाँ पे। अगर आपको चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब चीज़ आपने रखी हुई हैं और आपको कवर करनी है तो वो सिंपल इससे आप कर सकते हो। और बूट स्पेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 578 लीटर्स के आसपास की बूट स्पेस यहाँ पे आती है। बूट लैंप जो है अगेन LED बेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छी खासी डीप स्टोरेज है। और जो स्पेयर व्हील है वो आएगा गाड़ी के नीचे, यहीं पर आप देख सकते हो ये रहा, ये स्टील व्हील आएगा। और यहाँ पे एक बटन आती है, जैसे आप ऐसे प्रेस करोगे सिंपली ये लग जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ओवरऑल जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल की बातचीत करें तो बढ़िया लगती है, मतलब कलर के अंदर डेप्थ है, अलॉयज अच्छे तरीके से सूट करते हैं प्रोफाइल को। और जो रेड कैलिपर्स दिए हैं थोड़ा अलग से चार चांद लगा देते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में वो भी। बाकी इसकी पूरी प्रोफाइल आप देख लो, रूफ रिल्स वगैरह जो है सब कुछ ग्लॉसी ब्लैक दी हुई है। और ये इसका पूरा 360 वॉक अराउंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब भी फटाफट से चलते हैं ड्राइवर साइड डोर पे, ड्राइवर साइड डोर पे क्या है और इंटीरियर में क्या आपको अलग मिलता है इस ब्लैक स्टॉर्म के अंदर, वो चीज़ें एक बार कवर कर लेते हैं। बाकी यहाँ से आपको कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अभी फटाफट स्विच करते हैं ड्राइवर साइड डोर पे।
सो अभी चले ड्राइवर साइड डोर पे, अगेन डोर पैनल्स के अंदर वेट जो है काफी अच्छा खासा है, प्रॉपर यहाँ पे लेदर मिलता है आपको, सॉफ्ट टच, ये चीजें थोड़ी चेंज हुई हैं। पावर विंडोज के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं, सभी विंडोज जो है वन टच अप डाउन आपको मिलेंगे, विंडोज के लॉक हैं, डोर्स के लॉक हैं, ट्विटर है, स्पीकर है, इन्फिनिटी के यहाँ पे जो ब्रांडिंग है वो हो रखी है, मॉरिस ग्राजिस प्लेट्स आते हैं यहाँ पे, फुल्ली ब्लैक लेदर पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, एयरबैग यहाँ पे, टैग्स आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे सीट्स आती हैं, नीचे के साइड दो पैडल्स आप देख रहे हो, सीवीटी के साथ है पेट्रोल में, ये आपको बता देता हूँ, दो पैडल्स हैं और लाइट्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत बढ़िया सा जो एटमॉस्फेयर है वो गाड़ी के अंदर रहता ही है, डेड पैडल के प्रॉपर यहाँ पे प्लेसमेंट है, स्पेस यहाँ पे दी हुई है, फ्यूल खोलने का लेवर है, बोनट खोलने का लेवर है, यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स अपने ORM से रिलेटेड हैं और लाइट्स लेवलिंग डायल है, इस क्लस्टर इल्यूमिनेशन कम ज्यादा करने के लिए, और बूट को आप यहाँ से खोल सकते हो, MN लाइट की स्ट्रिप देख सकते हो। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, इंटीरियर से बातचीत करते हैं कि चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, और इसको लगा लेते हैं एक बार, और सीट थोड़ी सी मैं पीछे कर लेता हूँ। हेलो जी, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ सीट आती है, बड़ा ही स्मूथली वर्क करती है ये भी, प्रॉपर पीछे कर लेते हैं और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जी, बढ़िया एकदम। अभी यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे मैं ऐसे एक बार प्रेस कर दूंगा तो स्टीयरिंग व्हील अपना अनलॉक हो जाता है, और ये अनलॉक पहले ही था, ये लो, ये सेकंड टाइम मैंने टैप किया तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन हो जाती हैं, ये यहाँ पे फुल्ली डिजिटल क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलता है, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, बढ़िया। सो अभी आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन हो चुकी हैं, फुल्ली डिजिटल क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलता है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है गाड़ी से रिलेटेड सब आपको यहाँ डिजिटल फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगी, और काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी कलरफुल सा है, और ये इस तरीके से बात करते रहती है, ये पूरी अच्छी खासी यहाँ पे डिस्प्ले आती है, यहाँ पे आप देखोगे तो वाइपर्स के कंट्रोल यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं यहाँ पे, हेडलैम्प्स इंडिकेटर्स की बातचीत करें तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसको एक साइड बंद कर लेता हूँ। अभी स्टीयरिंग व्हील की बातचीत करें तो फुल्ली लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, SMID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर साइड अपने मीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, एयरबैग यहाँ पे टैग है, बढ़िया सा हैंडी सा स्टीयरिंग व्हील है, और थोड़ा सा मैटी जो टेक्सचर है वो आपको यहाँ फील होगा। इसकी एडजस्टमेंट की भी बातचीत करें, ये टिल्ट का ऑप्शन के साथ आपको देखने के लिए मिलता है, और बढ़िया स्मूथली एक हाथ से हो जाता है, इंजन स्टार्ट बटन यहाँ पे दी हुई है, डैशबोर्ड एक साइड दिखाता हूँ अभी आपको, ऊपर से देख लो पूरी पैनोरामिक रूफ आती है, और ये चीज़ें जो है ये थोड़ा बेज में है, नीचे का जितना पार्ट है वो सब ब्लैक है यहाँ पे, इधर साइड आप देखोगे तो वैनिटी मिरर है लाइट के साथ, और इसको एक सेकंड बंद कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके की काफी ब्राइट सी व्हाइट लाइट आती है, सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए, सनग्लास होल्डर के प्लेसमेंट है, और यहाँ पे एक ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है, और इधर की साइड भी आप देखोगे तो वैनिटी मिरर की प्लेसमेंट आपको दी हुई है। अभी डैशबोर्ड की बातचीत करें तो ये जितना भी आप देख रहे हो ये सब बढ़िया सॉफ्ट टच आपको मिलता है, काफी बड़ा सा इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे मिलता है, प्रॉपर आप कह सकते हो एकदम पूरा लैपटॉप का लैपटॉप लगा दिया यहाँ पे, तो काफी इन्फॉर्मेटिव है, गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब आप यहीं से ही सेट करोगे, लाइक AC वगैरह वो सारी चीजें भी, क्योंकि यहाँ पे कोई मैनुअल कंट्रोल्स वगैरह वो नहीं दिए हुए, AC वेंट्स हैं, इनके ऊपर ग्लॉसी ट्रिम्स हैं, थोड़ा सा सिल्वर टेक्सचर यहाँ पे दिया है, MN लाइट जो है बहुत ही प्यारी लगती है, नीचे साइड यहाँ पे वायरलेस चार्जर है, CVT गियर बॉक्स के साथ आते हैं तो कुछ इस तरीके मिलता है, गियर नॉब यहाँ पे, इको की बटन है, ये PRNDS के सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आगे की दोनों सीट वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल, AC मैक्स की बटन यहाँ पे है, हैजर्ड लाइट की बटन यहाँ दी हुई है, कप होल्डर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एड स्टार्ट शो वाली बटन, और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दी हुई है, और ये कुछ इस तरीके से बंद भी कर सकते हो, क्लीन सी सरफेस लगती है बहुत अच्छी, और फुल्ली लेदर रैप्ड आपको मिलता है आर्म रेस्ट, जिसके अंदर अच्छी खासी स्पेस है, और एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ की बातचीत करें तो काफी सॉफ्टली खुलता है ग्लो बॉक्स, और ये आप देख सकते हो अच्छी खासी स्पेस और कूलिंग फंक्शन के साथ भी यहाँ पे मिलता है ये। सो ये हैं सारी चीजें, यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कमेंट्स में, और अभी इसकी रियर स्पेस दिखा देता हूँ, पीछे किस तरीके से स्पेस है, क्या कंट्रोल्स हैं, और वाइब कैसी है ओवरऑल गाड़ी की, वो चीज भी चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कमेंट्स में, और अभी चलते हैं इसकी रियर सीट पे, पीछे किस तरीके से चीजें उनकी बातचीत करें तो देखो काफी फाइन लगती है, काफी स्मूथ से टेक्सचर्स आपको लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी आप देखो तो बढ़िया सॉफ्ट टच है, ये प्रॉपर लेदर है, सिल्वर फिनिश यहाँ पे, इन्फिनिटी की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है, स्पीकर है, बोतल होल्डर है, बढ़िया है, यहाँ पे मॉरिस ग्राजिस की स्कप प्लेट्स आपको मिलती है, डोर पैनल जो आप देख रहे हो नीचे तक काफी नीचे तक जाते हैं, मतलब कि काफी नीचे तक जाते हैं, तो गाड़ी अगर कीचड़ वगैरह में भी चलती है तो जब भी आप निकलोगे अंदर जाओगे तो आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे उसकी वजह से। अभी अंदर चलते हैं, सो जी अंदर की बातचीत करें, सो ये लो अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, और ये सीट जो है ऑलमोस्ट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, 5'9" और स्टिल आप लेग रूम देख सकते हो, 5-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में तो माइंड ब्लोइंग स्पेस मिलती है इस गाड़ी के अंदर, थायर रूम में कोई इशू नहीं है, और यहाँ पे हेड रूम भी आप देख सकते हो कितना मेरे पास में आराम से बैठा हुआ, यहाँ पे दोनों सीट्स पे पॉकेट है, रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, नीचे की साइड यहाँ पे एक USB पोर्ट भी दिया हुआ है, थोड़ी स्पेस वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, एकदम फ्लैट सरफेस मिलती है बढ़िया, मतलब लिटरली बंदा नीचे लेट के जा सकता है, 60-40 का ऑप्शन यहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5 एडजस्टेड हेडरेस्ट है, बीच में आर्म रेस्ट है, कप होल्डर्स के साथ है, ये 1, 2
तीन ग्रैब हैंडल्स आते हैं और ये व्हाइट लाइट कुछ इस तरीके की मिलती है, बहुत ही प्यारी लगती है, मतलब एक अच्छा एम्बियंस बनाती है। ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, बढ़िया एम्बियंस बनाती है। हर प्लस पे आपको ये एयरबैग के टैग देखने के लिए मिल जाते हैं, सीट बेल्ट जो है ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलती है। और देख लो पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, एक नंबर कंफर्टेबल है भाई। पीछे बैठ के तो देती है बिल्कुल एकदम बिजनेस क्लास वाली फील, सीट जो है प्रॉपर पीछे रिक्लाइन हो जाती है अच्छे तरीके से, बढ़िया पूरी पैनोरामिक रूफ है और चार चांद लगा देती है। सो ये थी सारी चीजें, यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कमेंट्स में। अब इसका इंजन भी आपको दिखा देता हूँ कि इंजन कंपार्टमेंट में क्या चीजें मिलती है और किस तरीके से हैं वो सारी चीजें और इंजन स्पेसिफिकेशंस क्या है इस गाड़ी की। सो बात करें इस गाड़ी के इंजन बे के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग आप देख सकते हो बढ़िया यहाँ पे दी हुई है, चीज अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर्ड है। टर्बो चार्ज इंजन है वो सीधा सीधा यहाँ पे मेंशन है, एमजी टर्बो। ये आपको मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो कि आपको डेवलप करके देता है ऑलमोस्ट 141 bhp 250 nm का टॉर्क, 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी अपने साथ कैरी करती है, जिससे हम मान के चलो 10 से 12 के आसपास के माइलेज निकाल के दे देगी क्योंकि पेट्रोल में है, टर्बो चार्ज इंजन है और सीवीटी गियरबॉक्स के साथ है, तो पैटर्न जो है मोस्टली आपके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर ही डिपेंड करेगा। बाकी इसको एक सेकंड बंद कर लेते हैं और फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये थी आपके सामने 2024 MG Hector Blackstorm, पेट्रोल में थी, सीवीटी गियरबॉक्स के साथ थी, प्राइसिंग आपको बता दी, चीज आपको दिखा दी किस तरीके से हैं। अब आप मुझे कमेंट्स बताओ कि ये एडिशन इसका आपको कैसा लगा। पर्सनली इनके जो Blackstorm एडिशन होते हैं थोड़ा ज्यादा डेप्थ के साथ होते हैं, थोड़े ज्यादा डार्क होते हैं जैसा कि ये भी है। बाकी आपको कितना समझ में आया प्रोडक्ट मुझे बताना कॉमेंट्स में। अब दोनों में से आप बताओ ये आपको ज्यादा अच्छी लगी या फिर ये ज्यादा आपको अच्छी लगी। बाकी हम फिर मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।